यूपी सरकार के आदेश के बाद कांवड़ रूट पर अब सबको अपना नाम के साथ पहचान भी बताना होगा। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर के खतौली में, और खतौली में एक ढाबा है जिसका नाम बाबूजी ढाबा था, लेकिन अब इसे बाबू खां ढाबा कर दिया गया। हमें जो जानकारी दी गई है, लाइसेंस इसका मुस्लिम समाज से आते हैं, उनका नाम आधार कार्ड पे भी बाबू है, उनके नाम पे था और बाबू खां लिख दिया गया। इससे पहले बाबूजी दा ढाबा नाम था और बाबूजी दा ढाबा में जी को ढका गया है, आपको वो तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ जो संचालक हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों है, लाइसेंस तो मुस्लिम के नाम पे है, बाबू के नाम पे है, लेकिन यहाँ हिंदू समाज के लोग ही अधिकतर काम करते हैं। और जो हमें बताया गया है, यहाँ ज्वाइंट वेंचर है, यानी ये ढाबा हिंदू और मुसलमान दोनों चलाते हैं, दोनों मालिकों से भी बात करेंगे, लेकिन ये वर्कर हैं जो यहाँ काम करते हैं, सारे लोग स्थानीय हैं और सभी हिंदू समाज के लोग ही यहाँ काम करते हैं। लेकिन इनका दर्द क्या है वो इनसे सुनते हैं। आपका नाम? आकाश शर्मा। आकाश, क्या दर्द है इस फैसले के बाद? कोई दिक्कत हुई, क्या हुआ? जी, दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई? ये जो बोर्ड पे खान लिख रहा है इससे दिक्कत हुई है। कैसे? यही है जी, गाड़ियाँ रुकती थी, अब गाड़ियाँ नहीं रुक रही इस बोर्ड को देखकर, क्योंकि ये हरिद्वार वाला रूट है, यात्री लिखते हैं ज़्यादातर, तो ये खान लिखा हुआ है, ये लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम ढाबा है। तो जैसे अभी मैं आगे से आया, वो पीछे का जो बड़ा रेस्टोरेंट है शीतल, वह चीतल, वो वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ बाकी लोग थे, वहाँ भी नाम लिखा हुआ है, तो साफ सफाई का भी फर्क है या सिर्फ नाम से फर्क आया? वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों है, इसलिए लोग रुक रहे हैं वहाँ। वहाँ वेज नॉन वेज दोनों है? दोनों है। आपके पास? प्योर वेज है हमारे पास। और सारे लोग, आप लोग हिंदू समाज के लोग यहाँ? हिंदू समाज के लोग। और आपके मालिक हिंदू मुस्लिम दोनों? दोनों है जी, हिंदू मुस्लिम दोनों है। आपका नाम? अजय। अजय जी, क्या दिक्कत हो रही है, क्या करते हैं आप यहाँ? मैं कारीगर हूँ, यहाँ पे कारोबार पे दिक्कत है इस नाम की वजह से। हाँ। बिल्कुल काम ठप हो चुका है, हम लोगों को ये परेशानियाँ हैं। काम ठप हो चुका है, कितने पैसे आपको डेली के कमा लेते हैं यहाँ आम दिनों में? इस फैसले से पहले कितना कमा लेते थे मजदूरी, या यहाँ कारीगर का काम कितना पैसा मिलता है? सर जी, हमको 600 रुपये मिलते थे, और अब हमको वो नहीं मिल पा रहा है। तो दिक्कत हो रही है? अरे जी, दिक्कत हो ही रही है, खर्चा कहाँ से लाएं, वहाँ घर पर परेशानी होती है। कभी सिलेंडर है, कभी कुछ है, कभी ये है, कभी आटा है, कभी चीनी है, तो वो लाते हैं हम घर से, यहीं कमारा करना खाना, इतने सालों से हम यहाँ पर रुके हुए हैं, अब ये दिक्कत है, खां साहब लिखा गया तो यहाँ पर कस्टमर नहीं है। यानी जो कांवड़ यात्री हैं वो घूम जा रहे हैं, दूसरे लोग जो जाते हैं यात्रा? वो जो कस्टमर जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, वो नहीं है अब। और जैसे कि अब आने वाला टाइम है, अब मेले का टाइम शुरू हो जाएगा, तो उससे हम ये समझ रहे हैं अपने नॉलेज से कि वो रुकेंगे नहीं जी, और काम नहीं। कितनी गाड़ियां आमतौर पर रुकती हैं अगर कांवड़ यात्रा के वक्त को भी छोड़ दे, ऐसे कितनी गाड़ियां रुकती थी डेली? लगभग 20-25 डेली जी। डेली आपको दिक्कत हो रही, आपको ऐसा लगता है? दिक्कत है जी हाँ सर, हमें बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत। जब से हमारा होटल था पड़ा, बिल्कुल यार रोटी नहीं मिलती खाने, जब रोजगार हमारा खत्म हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? इस था के नाम लिखने से हमारा काम छूट है, ये कहना था इस हटवा जाए और अपन लोग बाबी घड़ा बच लेंगे। यानी आप लोग ये मांग कर रहे कि ये नाम हटा देना चाहिए? हाँ जी। है? खान साहब लिखने से दिक्कत आ रही है। क्या? खान साहब लिखने से दिक्कत आ रही है हमारी। दिक्कत आ गई है आपको लगता है? हमारा तो सर ये निवेदन है कि खान नाम जो है हटना चाहिए, तो हमें रोजगार फिर से खड़ा हो जाएगा। जी, ये बोर्ड हटा देने से। लेकिन सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होती है, कुछ लोगों की भावनाएं आहत ना हो, ये सब मकसद है? नहीं, ये तो गलत है। खान भावनाएं तो आहत हो रही हैं, बताइए अब हम कहाँ जाएं? भावनाएं आहत हो रही, और ये सचिन है जिनका दावा, ये कह रहे हैं कि ये ज्वाइंट में ये चलाते हैं, इन्हीं का मकान है, इन्हीं की जमीन है। सचिन भाई, आपका गांव कहाँ है? टिगाई। और इसके मालिक? हमारी जमीन है यहाँ पे, तो ये हम दोनों आपस में मिलके चलाते हैं। बस ये है कि मैंने तो बोला अपना भी बोर्ड मैं साथ में लगवाऊंगा, या तो फिर ये नहीं हटेगा तो भाई मैं अपने नाम का भी लगवाऊंगा, ये भी लगेगा। लाइसेंस उनके नाम है, फूड लाइसेंस, मकान मालिक हमें। मकान मालिक आप हो? आपका नाम? मेरा उवेश नाम है। क्या? उवेश। ये बताइए, आपके पिता के नाम पे लाइसेंस है, तो अब क्या दिक्कत आई है इस नाम चेंज के बाद, पहचान बदल? इससे पहले काम अच्छा था काफी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब से ये चेंज हुआ है, गाड़ियाँ लगती है फ्रंट पे और वापस हो जाती है, उससे जो है सैलरी भी निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है, जो लेबर है हमारी उनकी सैलरी निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और जो हमारे वेटर होते हैं उनका भी काम थोड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे कि जो भी खाना वगैरह होता है इधर
उसमें जो है इन्हें भी अपनी टिप मिल जाती है अच्छी खासी। अब जब काम नहीं है रोड पे, बिल्कुल गाड़ियां नहीं रुक रही है, तो इन्हें भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम कहां से सेल लें? तो ये आप लोग ज्वाइंट ही चलाते हो? ज्वाइंट 50-50 में है हमारा। 50-50 में जी। तो कितनी गाड़ियां डेली रुकती थी आमतौर पे? अभी ऐसे तो काउंट नहीं करते थे कितनी गाड़ियां थी, क्योंकि इतना समय नहीं लगता था, काम निकलता रहता था सुबह से शाम तक। मगर अब जब से ये बोर्ड लगा है बिल्कुल खाली पड़ा है, एक दो गाड़ी लग गई। तो एक दो गाड़ियां लग गई, ये ढाबा बाबू दा ढाबा जो हो गया है, अब बाबू खां ढाबा हो गया, पहले बाबू जी दा ढाबा था। और तस्वीरें आपको हमारे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी दिखा रहे थे कि क्या कुछ असर पड़ा है, दुकानदारों पे अलग असर पड़ा है, कईयों की आमदनी कम हो गई है। हालांकि कांवड़ यात्री कुछ कह रहे हैं कि ये सही कदम है, लेकिन बहुत सारे कांवड़ यात्री ये भी कह रहे हैं कि इस कदम की कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होती। देखना होगा कि कांवड़ यात्रा अपने सबाब पे जब होगा, यानी जब अधिक कांवड़ यात्री आएंगे, तो इस ढाबे पर क्या असर होता है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।